संकटमोचन हनुमान का अद्भुत मंदिर। प्रसाद का लड्डू खाने से ठीक हो जाती है हर लाइलाज बीमारी। एक साथ हनुमान जी की दो प्रतिमाएं हैं स्थापित। राम भक्त हनुमान की कृपा जिस पर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए तो भारत के कोने कोने में हनुमान जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं पटना के लोकप्रिय मंदिर, जिसे महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के बाद हनुमान जी का भारत में ये दूसरा मंदिर है जहां सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। तो क्यों खास है ये मंदिर, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पटना के रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान जी के इस मंदिर में आकर शीश नवाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ति होती है। आपको बता दें कि ये मंदिर बाकी हनुमान मंदिरों से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ बजरंगबली की युग्म मूर्तियाँ यानी दो प्रतिमाएं एक साथ हैं। कहते हैं कि एक मूर्ति भक्तों की रक्षा करने वाली है तो वहीं दूसरी मूर्ति दुष्ट जनों का नाश करने वाली है। मंदिर प्राचीन है, जिसे 80 के दशक में नया रंग रूप दिया गया, जिसके बाद से मंदिर की बनावट और चकाचौंध भक्तों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों का आना होता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन सबसे अधिक संख्या में भक्त जुटते हैं। ये तो बात हुई मंदिर के परिसर की। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर की एक और खासियत के बारे में। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को खाने से हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है, यानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जिसका इलाज बहुत महंगा है और इसी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि इस मंदिर में मिलने वाले लड्डू खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। बता दें कि यहाँ हनुमान जी को घी के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिसे नैवेद्यम के नाम से जाना जाता है। हर दिन यहाँ करीब 25,000 लड्डुओं की बिक्री होती है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इन लड्डुओं से जो पैसा आता है वह महावीर कैंसर संस्थान में उन मरीजों पर खर्च किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कैंसर का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। इसी के साथ बता दें कि महावीर मंदिर के ट्रस्ट की ओर से अयोध्या के राम मंदिर में भगवान और उनके भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी। महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा कि न्यास समिति की तरफ से हर साल 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्दी मंदिर बनता है तो मंदिर की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी से।